मैं कुलबीर भारद्वाज ग्वालियर से। मैं 1967 से जनसंघ से और आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और एट प्रेजेंट इस समय में हॉस्पिटल में हूँ। मैं बीमार हूँ, अस्वस्थ हूँ। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियोस ऐसे वायरल हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें वायरल हो रही हैं जो देखकर सुनकर बुरा भी लगता है, लेकिन कहीं और अच्छा भी लगता है। निश्चित रूप से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है उन आने वालों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, जो आए हैं, और मैं उनको आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में एक अदना कार्यकर्ता के रूप में मानता हूं, लेकिन उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। पार्टी में कोई ना आए ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग आए और हम अपने परिवार को ही ना पूछें, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। माननीय बीडी शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अपनी पार्टी को बचा लीजिए। ये मौसम, ये सारी ये बातें तो आती रहती हैं और जाती रहती हैं। अटल जी भी कहते थे कि हम बहुत सारी सरकारें कुर्बान कर देंगे। पटवा जी भी यही कहते थे कि कार्यकर्ता से बढ़कर कुछ नहीं है, हम ईमानदारी और सच्चाई निष्ठा से बात करते हैं, काम करते हैं, और हम बहुत सारी सरकारों को भी कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन मुझको ऐसा लग रहा है कि हम कहीं बहुत बड़े लोलुपता के उसमें पड़े। हम मंत्रिमंडल भी दे देंगे, हम बहुत विधायक आ जाएं, सब पार्टी में सम्मिलित हो जाएं, बहुत अच्छी बात है कि आपके पास संघ जैसा दीक्षित, भारतीय जनता पार्टी जैसा दीक्षित, वो त्याग तपस्या और बलिदान का परिचायक, वो देव दुर्लभ कार्यकर्ता क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दल में हैं, और आप उनको नहीं पूछ रहे, उनसे बात नहीं कर सकते जिन्होंने अपने पार्टी के अंदर पूरा जीवन 52-53 साल न्यौछावर कर दिया। बहुत बुरी बात। और ये मैं इस वीडियो को वायरल इसलिए कर रहा हूं आप तक मेरी आवाज पहुंचे, आप हम लोगों से चर्चा करें। ऐसे ही नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किसी को भी आ जाओ, उसमें रेत माफिया भी आ जाए, गुंडे मवाली भी आ जाए, अवैध शराब का धंधा करने वाले भी हमारी पार्टी के अंदर जुड़ जाए, ऐसा नहीं। उनका भी कोई एक क्राइटेरिया आपको बनाना होगा। मुख्यमंत्री जी के मैंने कई ऐसे फोटोज देखे हैं जिसके अंदर वो लोग पीछे खड़े हुए हैं, एंड दे आर गुंडास एंड दे आर माफियास, दावे से कह सकता हूं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, ये नहीं चलेगा। मुझे नहीं मालूम कि जयसिंह जी कहीं बाहर जाते या नहीं जाते, मैं उन कार्यकर्ताओं में से नहीं हूं, मैं पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरा अधिकार है, पार्टी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन कुछ गलत होने भी नहीं दूंगा। मैं विरोध करूंगा, डटकर विरोध करूंगा, अपने परिवार में, अपने माता पिता से, अपने परिवार से मैं विरोध करने का पूरा हक रखता हूं। अगर आप रोते हुए उनको पूछेंगे नहीं, उनको बूझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, कहाँ कहेंगे हम अपनी दुविधा को, कहाँ गए वो कुशाभा ठाकरे जी, कहाँ गए वो पटवा जी, कहाँ गए वो जोशी जी, कहाँ गए अटल जी, अडवाणी जी। अरे हमने सीधी चर्चाएं की हैं, अपनी व्यथाएं बताई हैं, हमने तो उस दिन से पार्टी में काम किया है जब दो विधायक या दो सांसद नहीं हुआ करते थे। आज हम लोगों की इतनी उपेक्षा, आप ऐसे ही रबड़ी बांट दोगे? कैसे बांटोगे? आप बांट के देखिए, ठीक है, आप हमको पार्टी से आप निष्कासित कर देना, लेकिन हम आपका इसका विरोध किए बिना मानेंगे नहीं। मेला फलाने को दे देंगे, दे दिया, फलाना साढ़ा का दे देंगे, ये फलाना फलाने को दे देंगे, आप सबको मंत्री बना देंगे। हमको सिर्फ क्या, इतने लोलुप हो गए कि हमको सिर्फ सरकार चाहिए, सरकार बनानी है, सरकार चाहिए, चाहे हमारा संगठन टूट के छिन्न भिन्न हो जाए, टूट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। आपने कभी कार्यकर्ता की अपने मन के भाव सुने हैं, उनसे चर्चा की है? अरे भाई, हम तो छोटे छोटे से बिना एसी के गाड़ियों में और बिना एसी के कमरों के अंदर बैठ के, पंखे के अंदर भी और पंखा नहीं भी होता था तो बैठ के हम पार्टी की बैठ के करते थे, सुनते थे कार्यकर्ताओं की, सुनते थे, कोई बीमार हो जाता था तो उससे पूछने जाते थे।
ये कौन सा बड़ा दुर्भाग्य है हमारी पार्टी का। मेरा एक निवेदन है, किसी भी तरीके की कोई नियुक्तियाँ मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश के बाद मुझे ज़्यादा मध्य प्रदेश से मतलब नहीं है, हम लोगों का भी कोई अधिकार है, ग्वालियर में अगर इस तरीके की नियुक्तियाँ होंगी और अगर आप किसी एक को ही देना है तो फिर एक काम करो, एक अलग सेकेंड कांग्रेस बना दीजिए, उसमें आप सम्मिलित हो जाइए, लेकिन हम अपनी भारतीय जनता पार्टी को जिंदा रखेंगे और ऐसे हम ये जो रेवड़ियाँ बांटने का काम है ऐसे मैं होने नहीं दूंगा, इसका डट कर विरोध करूँगा। हो सकता हूँ मैं बहुत अदना सा हूँ, लेकिन अदने लोग भी कई हों, और अगर आप उनको सीमाओं से लांग जाएंगे तो हमारी मजबूरियाँ हो जाएंगी, हमको आपके विरुद्ध बोलना होगा। बस इसी भाषा के साथ मैं अपनी वाणी को कण विराम देता हूँ और आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी मेरी आवाज़ को अगर आप तक पहुँचे तो जरूर सुने आप, और प्रदेश अध्यक्ष महोदय मेरा प्रदेश का नेतृत्व, मेरा ग्वालियर का नेतृत्व मेरी बात को सुने और समझे, और मेरी इस वाणी को मेरी आत्मा की आवाज़ के ऊपर आप गौर करें। बस इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप पार्टी हमारी आगे बढ़े, मोदी जी के साथ हम हैं रहेंगे, हम उनमें से नहीं हैं, आज यहाँ कुत्तों जैसे हो कल वहाँ कुत्तों जैसे, हमने अपनी माँ और बाप एक बनाया है वहीं रहेंगे, लेकिन अधिकार से उनसे लड़ेंगे। जय हिंद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।